नमस्कार दोस्तों, एनजी न्यूज़ निर्वाणा में आपका स्वागत है। सारे भाइयों ने राम राम, सत श्री अकाल, की हाल चाल। दोस्तों, लोगों को परेशानी हो रही थी मंडी के अंदर की कि हमारी फसल नहीं हो रही है, ले नहीं रहे है। तो यहाँ पर मंडी में आए हैं, फसल आ चुकी है, गेहूँ कट कर आ चुकी है, और जो किसान भाई ये यहाँ पर बैठे हैं और जो यहाँ पर कार्य करते हैं वो भी बैठे हैं, आरती भी बैठे हैं। तो इनसे जानेंगे कि यहाँ पर क्या क्या कार्य और समस्या भी क्या क्या आ रही है, तो इनसे एक बार बात करेंगे, चलते हैं इनके पास और किस प्रकार की समस्या है, तो चलते हैं और करते हैं बात। तो दोस्तों, यहाँ पर मंडी के अंदर ये गेहूँ आई हुई है, कुछ किसान भी बैठे हैं, कुछ और भी है जो यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। अगर इन भाई उसे जानेंगे कि कोई समस्या आ रही है कि नहीं। किसी भाई साहब, राम राम। भाई साहब, राम राम। राम राम भाई, समस्या यह है भाई, जो गेट पास में लाइन में लगना पड़ा, दिक्कत दिक्कत है जमींदार। अच्छा जी, हाँ बिल्कुल। अच्छा सर, जो अपने सेक्रेटरी साहब है या फिर यहाँ पर जो प्रबंधक है, उन्होंने कुछ इसके लिए आपको आश्वासन दिया कि नहीं दिया भाई, आपके सोल्यूशन हो जाएगा इसका? भाई इसका तो कोई समाधान ना दिखते नहीं इसमें, तो लोग पहले तो खेत में डालना है, फिर उसी घर डालना है, फिर उसी लेबर का खर्चा भी इसमें जमींदार की ज्यादा दिक्कत है, मतलब परेशानी हो रही है। हाँ ठीक है भाई जी, धन्यवाद। राम 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 राम। हाँ जी, अच्छा जी, दुकान है जी। हाँ जी, आर्थ की दुकान। अच्छा, आर्थ की दुकान है। हाँ जी सर, कुछ किसान कह रहे हैं भाई हमें समस्या आ रही है, जैसे मॉइस्चर के साथ, जैसे क्विंटल लिया उसके साथ मन के हिसाब से मैसे 1 किलो काटी जा रही है, क्या माजरा है सर? ये तो ऐसी है जी, बाकी कटने वाला तो कोई इतना बड़ा रीजन है नहीं है। अच्छा जी, हाँ ये तो सभी है, क्योंकि जमींदार अपनी तोड़ में भी गेड़ का जहर है। अच्छा, कोई कच्ची थोड़ा नमी का है, कोई स्पाई की है। अच्छा, उस वजह से काटी जाती है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कटने वाली। अच्छा जी, अब जो समस्या थी वो गेहूं वाली जी, पूरे किसान यहाँ पर आ सकते हैं, गेहूं बेच सकते हैं, वो समस्या सुलझ सके? नहीं नहीं नहीं, वो समस्या तो चलेगी लॉकडाउन तक, 3 तारीख अपने जो भीड़ है उसकी वजह से है। अच्छा जी, कुछ किसान ऐसे कह रहे हैं कि हम फसल लेके जाते हैं फिर वापस बेच देते हैं, मतलब ये कब तक सलूशन हो जाएगा? ये 3 तारीख के बाद देखो, क्योंकि इस बार सरकार की तरफ से एक भी डेट भी अलग लंबी चलेगी परचेज। अच्छा जी, हाँ थोड़ी सी हमने समस्या जरूर रह रही है। एक सरकार और अड़ती के बीच में जो मामला था, वो मामला कब तक मतलब सुलझ चुका है, तो कितना सुलझा है या कितना फंसा हुआ? वो ना कोई सुलझे है, उसमें सिर्फ एक आश्वासन पे है वो चीज। अच्छा जी, कोई लिखित में किसी प्रकार का कोई वो नहीं हुआ। अच्छा हाँ, लेकिन उम्मीद है, भगवान का आगे भी लगा रहे हैं, सरकार का आगे भी लगा रहे हैं, और आगे भी आस कर रहे हैं कि यही सरकार आवे, अच्छे काम करे, इन शब्दों को बनावे न की तोड़े। ठीक है, ठीक है जी, धन्यवाद। तो दोस्तों, कुछ और साथी मिले हैं किसान, उनसे और बात। एक मिनट, एक और थोड़ी समस्या है। हाँ जी, एक जो ये अब ऑनलाइन वाला है। हाँ जी, ये मसला किसी की समझ में नहीं आ रहा। अच्छा जी, इसमें सरसों की खरीद है, एक जमींदार है, उसके पास 8 किलो का जमींदार है वो। अच्छा जी, उसकी मैक्सिमम लगाओ 8 × 16 = 160 क्विंटल। उसकी जो ईमेल में वो करते हैं, डालते हैं। अच्छा, तो उसमें कंप्यूटर में उसकी लिखते हैं 0.5 किलो। अच्छा जी, बाकी की गेहूं किस तरीके से चलेगी इसके बारे में किसी ने नहीं पता, मतलब ना तो ये भी मार्केट कमेटी भी अपने हाथ उठा रही है। अच्छा जी, मजबूरी में लोगों को लैपटॉप लेके बोरियां। अच्छा, वो तो काम है। अच्छा, मार्केट कमेटी भी अपने हाथ उठा रही है इस लेवल में। सेक्रेटरी साहब ने क्या बोला सर? सेक्रेटरी साहब पे इस बात का कोई सोल्यूशन कोई नहीं है, ये कहते हैं कि ऊपर से आएगा कोई, हर रोज एक नया फंडा आता है। अच्छा, आज कुछ है, कल को आपको उसे के बारे में कुछ और लिख के आता है। अच्छा, तो मतलब सरकार को भी समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं, एक तरीके से वो भी नए नोटिस थोड़ा सा एक जरूर समझ में आ रहा है, कहीं न कहीं इसमें करप्शन है। अच्छा जी, हाँ जब किसकी ओर से है सर? ये सरकार की तरफ से कह ले, महकमा की तरफ से कह ले, या कहीं ना कहीं है इसमें, कहीं थोड़ा मोटा प्राइवेट की या कोई सिस्टम की वजह से कह ले। अच्छा, करप्शन का माध्यम क्या है, मतलब क्या आप कहना चाह रहे हो आप, करप्शन कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है? करप्शन ऐसे है, अब जमींदार की गेहूं पे लगाओ, कहीं साफ सफाई के लगा, क्योंकि एकदम अर्जेंट टाइम हड़ताल चली, उसके बाद एकदम मंडियाँ खुली, दबाव बढ़ा, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा मोटा देखने को मिला है। जमींदार को नुकसान है जी, जमींदार को भी नुकसान है, जमींदार से ज़्यादा आढ़ती को नुकसान है। आज गांव में मैं एक गेहूँ तलाऊँ, वो जमींदार से पूछा भी तेरा पंजीकरण हो रहा है, वो कहता भाई मेरा पूरा पंजीकरण हो रहा है, लेकिन उस पर मैसेज भी आवे, उसके बाद उसको गेट पास भी कट जाता है, और जब उसका वो करते हैं आई फार्म में चढ़ाते हैं, वो लोटे नहीं उठाता, ये कहते लोट नंबर नहीं, कई तरह की दिक्कतें आ रही है, तो घटता ही नहीं। अच्छा, दिक्कत तो इतनी बड़ी है, और ये सारा काम मतलब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वजह से हुआ? हाँ, ऑनलाइन की एकदम, कोई इसमें दिशा निर्देश नहीं दिया गया किसी अड़ती को किसी भी तरफ से। ठीक है, ना कोई सेक्रेटरी की तरफ से, ना कोई सरकार की तरफ से। ठीक है, इसका काम तो आगे चलना था, इससे पहले एक दिशा निर्देश देना था, आप ऑनलाइन इस तरीका पे काम करो, एकदम थोपा गया ये काम। अच्छा, न कि अपनी मर्जी से हुआ। ठीक है जी,
जो लॉकडाउन के बारे में बताया जा रहा है कि हम यहाँ पर पूरी तरह से एहतियात बरतेंगे, तो आपको क्या लगता है हमारे यहाँ पर एहतियात बरता जा रहा है, जैसे जो लोग यहाँ पर आ रहे किसान आ रहे उनके साथ? हाँ जी, बरता जा रहा है। किस प्रकार से मतलब यहाँ पर वो किया गया है, सावधानी बरत रहे हैं जी? सावधानी तो जी बरतें जी, लेकिन पाँच चार जने इकट्ठे हो जाएँ उसमें मतलब जो समझदार है वो तो रखते हैं, लेकिन जो मतलब अनपढ़ हैं या जो भी मजदूर है वो नहीं करते मतलब, लेकिन कर रहे हैं। अच्छा, कुछ पासिंग का भी यहाँ पर मनाया तो ताऊ की कुछ परेशानियाँ भाई हो, और ताऊ जी यहाँ पर अपनी फसल लेके आया, गेहूं लेके आया, तो इनसे पूछेंगे कि किस प्रकार की यहाँ पर दिक्कत है। ताऊ राम राम। राम राम भाई। ताऊ फसल फुसल अपनी सारी काट ले? हाँ काट लिया। फिर कोई दिक्कत आने लग रही है? बहुत घनी। अरे पुलिस वाले भी डंडे मारे बुआ, तो क्या पूछोगे, मैं दाने पर डंडे मारो था मैं। कान क्यों डंडे मारते हैं? जैसे आपको मतलब किसानों को बोला गया भाई रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आपका एंट्री की जाएगी, उसके बाद भी मतलब पुलिस वाले डंडे क्यों मारते हैं सर? अरे ये वोट ले मारते डंडे, ये क्या डा मारा है ये? सर ऐसा है, सरकार ने एक रूल बनाया गया है, जहाँ भी जो भी किसान है रजिस्ट्रेशन कराइए फिर एंट्री होगी आपको। 12 दिन हो गया बैठे ने। अच्छा जी। दाने लिए बैठे ने 12 दिन हो गए। अच्छा जी। फिर इनका लिया तो में खान की चीज हरियाणा बिरयान कर दी। अच्छा। इस तो ऊपर भी कोई है कोई चीज तार पे? अच्छा, मतलब पूरी आग लग रही है दिल में जमा। हाँ क्या जमा भी जब शामी आए बुड़का नहीं बांट के भर लिया। अच्छा, ये बुड़का ऊपर के किस्ती दोस्त दे रहा होता हूँ दोस्त तो ऊपर लेना है ऊपर और खट्टर और दूसरे दिए दो तीन का ये खट्टर गुट्टर के मैं नहीं इतनी तमाम मिटा इधर में पीट लेंगे पाछा होगा वोट पर छोटा की बात है। अच्छा। अबे छोटा यू तो पिटा पिटा है तो। अच्छा। यू मारा मारा दुष्ट तो ले बैठे सारा सुधन है। तो हाँ जो सारा वोट दिए हमने। अच्छा, दुष्यंत की तरफ से कुछ आश्वासन मिला भाई, जैसे मतलब आपकी फसल? कोई वानी ना। अच्छा, इसमें कोई पार्टी बाजी तो नहीं है ना? कोई पार्टी बाजी नहीं। आप मतलब सोच रहा मैं दूसरी पार्टी का? ना 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 दुष्ट। अच्छा, उसकी कोई पार्टी मतलब रियल में ही मतलब तंगी हो रही है? गाड़ी बेचा कै दिन हो कितना? 12 दिन। अच्छा, पूरा आया ना। अच्छा, मतलब कोई फसल खरीदी नहीं आपकी? ना ना पड़ी है। केक हुआ है? केक हुआ है सर, ये जो अपना सेक्रेटरी साहब है, क्या हुआ है, आश्वासन क्या मिला आपको? कुछ भी नहीं। कुछ तो आया होगा। बार दन ना भी दिन दे, कोई टोकन कटा लिया, कोई किमे करा लिया, कोई रजिस्ट्रेशन करा दे, कौन करेगा रजिस्ट्रेशन इसका भी लिख के करांगे। अच्छा, बनिया बिना तो न्यू बता किसका काम चल लगा? ये तो 11 बजे तो हमें 5 बजे बैंक का बंद कर दे, बालक बीमार हो गया किसका जाओगे? किसका जाओगे न्यू तो बता दो। सही बात है। और फिर भी मन का न्यू मुंह मोड़ ले मैं आज को नहीं तो पीछे वाले धड़कन आइए फिर किसका जाओगे? सही बात है। रात तो दे हमने रुपये दो गदड़ गदड़ न्यू हम तैयार है तारा बारह में अरबानिया ने मैं मेरा इतना फोन कर दिया करा था भाई मैं हमने 10,000 रुपये चाहिए मारा बालक बीमार है कटियाँ तो लाओ वो हमने मिलेंगे। तो ताऊ जो अभी अपना कर्मचारी है यहाँ पर जो प्रबंधक है ऐसे कह रहे हैं भाई हम इनका पूरा दाना दाना खरीदेंगे, किसानों को थोड़ी भी समस्या नहीं होने देंगे, लेकिन आपकी तरफ से पूरी समस्या आ रही है, क्या कारण है, क्यों गणी आ रही है? मैंने ट्राली पुट्ठी दबा दें गामा में गई है 2 दिन तो। अच्छा। हाँ पुट्ठी ट्राली गई है पुलिस वाले द्वारा बात करा ले मारी। अच्छा। हाँ ठीक है। और कुछ कहना चाहता हूँ तो बस भाई बतेरा तो धन्यवाद ताऊ तेरा किसान के। सर जी राम राम। राम राम। सर जी कुछ लोग किसान भाई ऐसे कह रहे हैं अभी हमें बहुत ज्यादा समस्या आ रही है यहाँ पर फसल और अड़ती के बीच में जो समस्या थी उसका समाधान होया कि नहीं होगी? नहीं वो तो पता, हम तो किसान हैं, हमको तो कोई पता नहीं इसके बारे में, सरकार और अड़ती का तो वो गवर्नमेंट जाने या अड़ती जाने उनका क्या हुआ है। किसान ऐसे कह रहे थे हम अड़ती के थ्रू ही गेहूं बेचेंगे सरकार को नहीं देंगे, मतलब ये भी मान हम तो शुरू से ही अड़ती के थ्रू बेचते हैं और अड़ती के थ्रू ही आगे भी बेचेंगे। अच्छा। हाँ हम तो अड़ती का किसान का आपस में तालमेल है, विश्वास है और वो तो ऐसे ही चलेगा। अच्छा। हम उसके बारे में। अच्छा, और किस प्रकार की समस्या आ रही है जैसे? बस और तो यही समस्या है, गेहूँ नहीं बिक रही। हाँ अब तक तो हम आगे की फसल भी बोने के लिए तैयार हो जाते थे। हाँ जी सर जी, और बताओ समस्या क्या लग रही है किसी पर? समस्या तो भाई साहब 14-15 किले की एकड़ की खेती की हुई है मैंने। कुछ ऐसा भी बोला गया जैसे मतलब 50 मन या मतलब 1 किले की खेती लेंगे आपको या मतलब पूरी नहीं लेंगे? नहीं देखो भाई साहब ऐसी तो कोई समस्या नहीं आई अभी तक, तो कोई समस्या नहीं आई। अब जो गेहूँ बिक रही है जो भी किसान का टोकन लग रहा है उसके हिसाब से गेहूँ तो जितनी ट्राली जितनी बेचना चाहे किसान बिक रही है गेहूँ की, ऐसी तो कोई समस्या नहीं है। ऐसी कहने से नहीं और समस्या बनेगी। जो समस्याएं हैं मैन जो अड़तीकार किसान का जो हमेशा से ही तालमेल और प्यार प्रेम चला आ रहा था जिसके हिसाब से हम आपस में
चलते थे वो उसमें दरार डालने की कोशिश कर रही है जो गवर्नमेंट, वो गलत कार्य है। हाँ ठीक है, वो गलत कार्य है। धन्यवाद जी। आप यहाँ पर अड़ती हो जी? जी हाँ जी। अच्छा जी, सरकार और आपके बीच में मतलब क्या फैसला हुआ सर? अच्छा है जी, सरकार ने तो सारे सिस्टम को ही तार तार कर दिया। आज जमींदार भी परेशान है, आड़तिया भी परेशान है और मजदूर भी परेशान है। सरकार ने बोला था 20 तारीख से खरीद शुरू करेंगे, आज भी सुचारू रूप से खरीद नहीं चालू हो पाई, सभी आड़तियों को बारदाना नहीं मिल पाया। पेमेंट का ये नहीं सिस्टम है, पेमेंट होगी कैसे, किस तरह से होगी ये अभी तक ये नहीं पता किसी आड़ती को। आज FCI का सर्कुलर आया है कि आड़ती पहले किसान को पेमेंट करेगा अपनी तरफ से, वो बैंक में किसान उसको जमा कराएगा, बैंक से उसकी वो लेके स्टेटमेंट कि वे किसान को पेमेंट हो चुकी, उसके बाद आड़ती को पेमेंट होगी। अच्छा अच्छा, ये आज FCI का सर्कुलर आया है। अच्छा जी, आप किसान भी परेशान है, ये बैठा है भाई, ये 7 दिन से बैठा है, इसकी गेहूँ आज भी नहीं तुली। खरीद सरकार ने 20 तारीख से शुरू रखी है, आज तक भी आड़तियों को बारदाना नहीं मिला 50% को। जिसको 40 बेल चाहिए, जिसको 20,000 चाहिए, उसको 2,000 बोरी मिल रही है बड़ी मुश्किल से। पेमेंट का कोई सिस्टम नहीं मिल रहा, दूसरा खरीद का कोई सिस्टम नहीं मिल रहा। आज इसने डाल दी गेहूँ, इसकी गेहूँ के बाद इसको मैसेज आएगा, इसने पहले जो रजिस्ट्रेशन करवाया इसके मैसेज आने के बाद ये यहाँ आएगा, इसका गेट पास कटेगा, गेट पास फिर एमरजेंसी की बिल्डिंग में वो कराएंगे, फिर उसके जाके आगे कार्रवाई होगी। मतलब पूरा सिस्टम ऑनलाइन करने के बावजूद बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। बिल्कुल समस्या ही समस्या है। और अड़तियों सरकार के बीच में जो मतलब मामला चल रहा था, मेरे हिसाब से तो नहीं लग रहा जिस हिसाब से आप नहीं, बता नहीं, नहीं, बिल्कुल सरकार ने आड़तियों के साथ धोखा किया है, किसान के साथ धोखा किया है और जो मजदूर है उसके साथ भी धोखा किया है। सरकार किसी भी बात पर सही नहीं उतरी। सरकार ने बोला था कि वे पेमेंट आड़तियों को देंगे, आड़तियों ने ये बोला था भाई आप पेमेंट जमींदार को दो। अगर हमने जमींदार से, जमींदार की कणक आगे 3 लाख की है, हमारा 1 लाख है, 1 लाख हमें दे दो, दो आड़ती को दे दो, उसको जमींदार के दे दो, हमें क्या तकलीफ है। अच्छा, वो ना जमींदार को संतुष्ट कर पाई, आज जमींदार भी गाड़ दे रहे हैं। अच्छा। और खासकर इस चौटाला के पोते को दे रहे हैं जमींदार, जिन्होंने इसको अपना समझ के बनाया था भाई ये हमारा है, भाई ये हमारा ध्यान रखेगा, आज उसी को गाड़ियाँ दे रहे हैं। क्यों? कि उसने कहीं किसी भी बात पर वो खरा नहीं उतरा। तो आज बिल्कुल सारा सिस्टम सरकार ने ओछपोछ कर दिया। आप देख लो कितनी डेरियां पड़ी हैं, सारी मंडी भरी पड़ी हैं, कहीं कोई तोल नहीं लग रहा, सारे लेबर वाले सवेरे आ रहे हैं। अब इतनी बड़ी मंडी में कम से कम लाखों बोरियां माल पड़े, अगर वो 1,000 बोरी तुली तो क्या काम है। वो किसी की कोई पेमेंट नहीं हुई, पेमेंट का ये नहीं पता आड़ती को किस प्रोसीजर से पेमेंट होगी। आज FCI का जो सर्कुलर आया उसे तो सारे आड़तियों के हाथ ही खड़े हो गए। क्या प्रोसीजर है वो? प्रोसीजर आके आड़ती अपनी जेब से पेमेंट करेगा, पहले आड़ती अपनी जेब से पेमेंट करेगा, बैंक से बैंक की स्टेटमेंट लेगा, बैंक की स्टेटमेंट आएगी, उसके बाद उसको पेमेंट सरकार देगी, यहाँ के किसान के खाते में पेमेंट चलेगी। ठीक है, तो सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी कुछ किसान बैठे हैं, कुछ अड़ती बैठे हैं, इनसे ही पूछेंगे मंडी के अंदर किस प्रकार की समस्या आ रही है, पेमेंट लेने में आ रही है या फसल बेचने में को लेकर आ रही है। तो चलते हैं और करते हैं बात। सर जी राम राम। राम राम। फसल लेके आए हो सर मंडी में? हाँ फसल लेके। अच्छा, कुछ किसान ऐसे कह रहे जी हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, फसल नहीं बिक रही है और अड़ती उसके साथ जो समझौता किया था उसके माध्यम में उसमें भी कुछ गड़बड़ होने लग रही है, तो क्या कहना चाहोगे सर? देखो जी, अब की दफ़ा परेशानी में कोई कमी नहीं है। अच्छा जी। CM साहब स्टेटमेंट दे हुए हैं, दूसरे चौटाला स्टेटमेंट दे हुए हैं। अच्छा जी। भाई किसान की सारी फसल खरीदेंगे। हाँ जी। जब आड़ती यहाँ लेके आता है तो उसकी रजिस्ट्रेशन अगर 20 क्विंटल की है तो कहते हैं सिर्फ 10% ज़्यादा लेंगे। अब कहाँ आड़ती जाए अगर उसकी रजिस्ट्रेशन 20% की 20 क्विंटल की है और वो उसके पास 100 क्विंटल गेहूँ है तो कहाँ डालेगा वो? कहने का मतलब पूरी फसल नहीं ले रहे। हाँ, अब उसका गेट पास 20 क्विंटल का है। अच्छा जी। अब वो कहाँ लेके जाएगा? पूरी फसल स्टेटमेंट तो दे देते हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन के हिसाब से गेहूँ ले रहे हैं। अच्छा, मतलब दिक्कत आ रही है। हाँ ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद सर जी। राम राम। सर जी आप अड़ती हो यहाँ से? अड़ती। तो सर जी किस प्रकार की समस्या है आने लग रही है? आपने पहले जो समझौता था सरकार और आपके बीच में, अब कितना मतलब फायदेमंद है और कितना नुकसानदायक है जी आपके लिए? नुकसानदायक है, जो गेहूँ जमींदार की आ रही है। अच्छा जी। उसके गेट पास नहीं निकलता वो। अच्छा जी। एक एक दो टोकन दे हुए हैं। अच्छा। पड़ी है। अच्छा जी।
हाँ ये बड़ी भारी दिक्कत आ रही है। अच्छा, पेमेंट का माध्यम से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है आपको, जैसे पेमेंट किस माध्यम से करेगी सरकार और आपको किसानों के खाते में डालनी है, तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको। पेमेंट का तो पता नहीं जी कि कब आओगे कब नहीं आओगे, मतलब कोई स्टेटमेंट नहीं है किस माध्यम से। अच्छा जी, और किसान को आपको पूरी पेमेंट देनी है फसल की? हाँ देनी है। अच्छा जी, फिर ये सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन मिला भी आपको भी जल्दी से इसका सुलझा दिया? आश्वासन नहीं मिला सर, कुछ नहीं मिला। ठीक है, धन्यवाद। किसान जो सरकार की पॉलिसी है ये पॉलिसी तो ये जी, तो कोई गेट पास का इसका कोई सिस्टम नहीं है। अच्छा, यहाँ लाइन लगी रहती है गेट के ऊपर। अच्छा जी, कैसे नंबर आया, पहले मैपिंग कराओ, बाद में मैसेज दो, मैसेज का पता नहीं लगता, कैसे दिक्कत आ रही है सारी। कुछ ये जो कार्य कर रहे हैं वर्कर है, लेबर है, इनको भी कोई दिक्कत आ रही है सर? लेबर को तो क्या दिक्कत, लेबर ना तो दिक्कत है जी, टाइम पर जिस टाइम काम हो उस टाइम लेबर नहीं मिलती, लेबर मिला उस टाइम काम नहीं होता जी। कुछ लेबर वाले ऐसे कह रहे हैं कि हम जब भी आते हैं तो पुलिस वाले तंग करते हैं, मतलब कुछ। हाँ, पुलिस वाले भी तंग करते हैं गेट के ऊपर। अच्छा, क्यों, क्या क्या माजरा जी, क्यों क्या जाओ पहले मैसेज दिखाओ, मैसेज नहीं आ रहा है, अनपढ़ इनकी मैसेज का नहीं बिरा कैसे है के। अच्छा, चक्कर है। अच्छा जी, है अपना इस जो सिस्टम है अपने समझ में नहीं आ रहा जमींदारों के। ठीक है जी, राम राम जी। राम राम जी भाई। सर जी, आप गेहूँ लेके आए हो यहाँ पर? हाँ। तो किस प्रकार की परेशानी आने लग रही, दिक्कत? देखो और तो कोई, अब दो तीन दिन तो कोई दिक्कत नहीं, पहले बहुत दिक्कत थी। अच्छा जी, हमारी गेहूँ घर अभी उतरी है। अच्छा, कंबाइन पर ना भी कटी है, आ गई बारिश का मौसम है, हमें यह तो परेशानी है, टाइम पर हमारी गेहूँ यहाँ नहीं पहुँची, अभी दो दिन हो गया, अब कोई परेशानी नहीं थी। अच्छा, मतलब सोल्यूशन सब होने लग रहा है। हाँ, कुछ किसान ने ऐसे कह रहे हैं भाई हमारी जो भी फसल है पूरी की पूरी मिला ले 50 क्विंटल का वहाँ पर जो किया जाता है, उसके बाद फिर आगे पूरी की पूरी नहीं ले जाती, 50 ही ले जाती। मैसेज आने के बाद तो ऐसी समस्या नहीं हुई अभी तक तो। अच्छा जी, हाँ जितनी ऊपर से आदेश आ रहे हैं, बस जो जितनी माल उस किसान के पास गेहूँ है वो सारी ला सकता है मंडी। ठीक है जी, कुछ अड़ती खड़े हैं और कुछ किसान भी है, कुछ लेबर के सदस्य भी है, तो इनसे ही बात करेंगे कि किस प्रकार की समस्या आ रही है, एक बार चलते और करते हैं बात। सर जी, राम राम। नमस्कार जी। सर जी, सरकार और आपके बीच में एक वो आया था तालमेल का, क्या हुआ है सर उसका? सर जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूँगा, आप हमारी समस्या समझने के लिए यहाँ पहुँचे। हाँ जी, बात यह है सरकार के और व्यापारियों के साथ समझौता हो गया था और कार्य शुरू हो गया था जी, मगर बहुत भारी दिक्कत यह आने लग रही है, जमींदारों के जो शेड्यूल बनना है उनके पास मैसेज नहीं पहुंच रहे। अच्छा जी, मैसेज पहुंच जाता है तो किसी का 1 क्विंटल का पहुंच जाता है मैसेज, किसी का 1 किल्ला का पहुंच जाता है, कि हो सकता है उसके 40 किल्ले हो और 4 किल्ले का मैसेज पहुँचता है उसके पास, वो जमींदार बड़ा तंग हो रहा है और उसके गेट पास काटने में बड़ी दिक्कत आ रही है। की तरफ से एक नोटिफिकेशन कल आया था, उन्होंने कहा पहले जमींदारों को आप पेमेंट करो, उसके बाद हम 72 घंटे में आपको पेमेंट देंगे। अब पता नहीं सरकार क्या करेगी क्या ना करेगी, इस बात के लिए भी व्यापारी सारे सरसोपस में है। मतलब हर तरफ से परेशानी आपको? परेशानी है जी, अच्छा जी। बिल्कुल परेशानी है, अभी कोई समस्या। अच्छा, का समाधान नहीं। जो सेक्रेटरी साहब है यहाँ पर कमेटी के, जो उनकी तरफ से कुछ आपके ऐसा है जी, मोबाइल लेके नहीं आते, साथ में ड्राइवर आ जाता है, भाड़े वाला आ जाता है, उसको ट्रेली रोक लेते हैं, आपका वो ले आओ, आपका मोबाइल नंबर ले आओ, मैसेज दिखाओ पहले, फिर वो दिखाओ, उनको लेने लग जाते हैं, उनको बहुत परेशानी आती है। मतलब हर तरफ से आपको समस्या आ रही है, सरकार की तरफ से जो वादे किए थे वो उससे आप नाखुश हो सर? अभी तक तो जो वादे किए थे उनसे कोई व्यापारी संतुष्ट नहीं है और हर तरफ से परेशानियाँ लग रही है। हाँ, अभी तक तो परेशानी चल रही है जी। अच्छा जी, तो कुछ लेबर के यहाँ पर सदस्य कार्य कर रहे हैं, इनसे ही पूछेंगे कुछ समस्या है। आप आते हो मतलब जैसे कोई तंग करता है पुलिस वाले या कुछ और प्रकार की आपने दिक्कत आ रही हो, जैसे पास की दिक्कत और की दिक्कत है? भाई सब दिक्कत तो है। अच्छा, कई बार पास अगर भूल है तो एंट्री नहीं करने देंगे। अच्छा, रोक ले हैं, अगर कई बार काम कर देने सांस फूल जाए। अच्छा, मास्क वगैरह उतर जाए तो बाहर चलो भाई पूरे तम। अच्छा, दिक्कत कर दे। अच्छा, सरकार ने जो लॉकडाउन की स्थिति बनाई थी मतलब उसके देखते हुए यहाँ पर कोई प्रबंध किया गया है, जैसे सैनिटाइजर डिस्टेंस का कुछ पालन कुछ यहाँ पर बता रहे हैं कुछ आपको? नहीं भाई साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बाकी अपनी खुद ही सेफ्टी है। अच्छा, हाँ अपने मास्क वगैरह लगाओ, सरकार की तरफ तो कुछ हमने मिल नहीं रहा। अच्छा, हम बस सीधा काम है अपना घर से। ठीक है, धन्यवाद। लेके आए हो आप यहाँ पर? गेहूँ तो ये ट्रॉली लेके आया था। अच्छा, कुछ ऐसा भी सरकार की तरफ से प्रावधान बनाया कि आप मतलब जहाँ पर आप ऑनलाइन करवाते हो भाई 50 क्विंटल या उसके से ज़्यादा ले आते हो तो आपको एंट्री नहीं करने देते? सबसे बड़ी समस्या तो ये है जी, जो ये पंजीकरण है पहले तो इसमें भी कोई दिक्कत आ रही है, इसमें दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही है पंजीकरण में। हाँ, उसमें जी
ढाई ढाई तीन तीन क्विंटल के पंजीकरण कर रखे गए इनकी दुकान पे जी। अच्छा जी, तीन क्विंटल का पंजीकरण कर रखे है। तीन क्विंटल में आदमी कितने लेकर होगा? कणक तो मेरी 70 मन है। अच्छा जी, और क्विंटल हो रहे मेरे तीन, उसमें दिक्कत बहुत आ रही है जी। बिना ट्रैक्टर बिना पंजीकरण ना ट्राली ना बढ़ नहीं दे रहे। अच्छा जी, हाँ जी, कुछ ऐसी भी दिक्कत आने लग रही है, मान लो आप जो फसल लेके आते हो उसको वापस भेजा जाता है? हाँ, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसका मैसेज, एक दिक्कत यह है जी, जैसे मेरे पास 20 तारीख को मैसेज आया था, 20 तारीख को मेरी गेहूँ कटन नहीं पाई, मैसेज में अगले दिन लेकर आया उन्हें मैं, तो उसने मैसेज ने अपडेट नहीं कर दे, उसने ट्राली ने वापस भेज दें। लेकिन यह सबसे बड़ी समस्या है, मैसेज को अपडेट उनकी जिम्मेवारी होनी चाहिए, भाई मैसेज को अपडेट कराओ। किसान को तो पता ही नहीं है मैसेज अपडेट किस तरह होगा, तो इस करके इसमें बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, जिसमें मैसेज भी आ रहा है ट्राली भी नहीं बढ़ने दे रहे इस करके, तो यह बहुत बड़ी समस्या है इस चीज़। तो दोस्तों यहाँ से हम चलते हैं और धन्यवाद करते हैं पूरी मंडी वाले का जो इन्होंने व्यू दिया। तो चलते हैं, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।